सो हे फ्रेंड्स वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन्स मेरा नाम सुमर सिंह राजप्रीत है और आज के वीडियो के टॉपिक का नाम है हाउ टू पास मशीन लर्निंग सेम सेवन कॉम्स मुंबई यूनिवर्सिटी तो मुझे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सुमर भाई मशीन लर्निंग के एग्ज़ाम से भैया सिलेबस इतना वास्ट कुछ पढ़ के हुआ नहीं है टाइम बहुत कम है और इतना सारा आप तो जानते हो मशीन लर्निंग में न्यूमेरिकल्स भी होते हैं कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट भी होते हैं तो कैसे पढ़े क्या करें भैया बता दो यार तुम इम्पॉर्टेंस सही लाते हो तो कोई नहीं यार इस वीडियो में मैं आपको मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट देने वाला हूँ मशीन लर्निंग के बताऊँगा कौन सा पहले कर लेना है कि भैया पास होने का जुगाड़ कर लो क्लियर है और एंड ऑफ द वीडियो ये भी बताऊंगा कि टॉप फिफ्टीन क्वेश्चन कैसे आपको मिलने वाले है ओके okay? आपको सिंपल सा क्या करना है भैया आपके लिए मैं इतनी मेहनत करके प्रॉपर पेपर एनालिसिस करके वीडियोस लाता हूँ भाई आपका इतना तो बनता है कि सारे कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में ये मशीन लर्निंग के इंपॉर्टेंस शेयर कर दो ठीक है हर कॉलेज सेवन सेवन के फाइनल ईयर के जो भी बच्चे हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में पहुँच जाना चाहिए ये वीडियो की लाइक टारगेट रखी है मैंने कितनी लाइक तो फटफट को लाइक करो और बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आ जाते भैया मशीन लर्निंग के मॉडल वन में मॉडल वन में एक क्वेश्चन आता है आपको जो कहते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स टू डिजाइनिंग अ मशीन लर्निंग प्रॉब्लम अभी इस क्वेश्चन को ऐसा घुमा के भी पूछते हैं तो मैं आपको बता देता देते कौन से कौन से टाइप के कोई भी आए एक ही आंसर लिख के आना है दूसरा है एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू डिसाइड मशीन लर्निंग सिस्टम या फिर स्टेप्स इन डेवलपिंग एंड मशीन लर्निंग एप्लीकेशन तो इन तीनों का आप एक ही आंसर भैया एक सेम ही सेम सवा, ही सवाल है वो सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिसेंटली दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए वो है आर द इशूज एंड चैलेंजेस इन मशीन लर्निंग भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला एक्सप्लेन द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर सेलेक्टिंग द राइट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्या सही मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को भाई ढूंढने का या फिर सेलेक्ट करने का कौन सा सही तरीका है आप समझ रहे हो कौन से स्टेप्स हैं वो बताओ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया इसके आने के चांसेस हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है पहले तो एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग पूछ लेते थे अभी क्या पूछते हैं बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग तो अपने को यार है मशीन लर्निंग के हेल्थ केयर में एजुकेशन में चार पाँच सेक्टर में आपको अच्छे से उसके एप्लीकेशन पता होने चाहिए और बिजनेस सेक्टर में भी इतना क्लियर है ओके एक क्वेश्चन है एक और जो एक्स्ट्रा है लेकिन मुझे लगता है करके जाना चाहिए वो है एक्सपेल मशीन लर्निंग एनिस टाइप जो सुपरवाइज अन सुपरवाइज री इन्फोर्समेंट ये आपको पता होना चाहिए आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल टू मॉड्यूल टू में भैया देखो न्यूमेरिकल्स आते हैं और यहाँ पर न्यूमेरिकल्स मशीन लर्निंग में शुरू हो गए तो एक न्यूमेरिकल आता है लीनियर रिग्रेशन बताओ क्या होता है और उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल जैसे यहाँ पर दिया गया है कि बी एम आई और कोलेस्ट्रॉल लेवल दिया गया है आपको और आपको पूछा गया है कि देखो यहाँ पे ये डेटा है इसको डेटा को एनालाइज करो और मुझे बताओ कि अगर बी एम आई ट्वेंटी टू रहा तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होगा तो इसका सिंपल सा ये न्यूमेरिकल और सारे जो भी जितने भी न्यूमेरिकल है हमारे कोर्स में आपको मिल जाएंगे अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया गया है क्लियर है दूसरा डिसीजन ट्री पर भाई आता है सम आप समझ रहे हो और डिसीजन ट्री का सम देखो मेरे को अगर आप पूछोगे ना तो वो कॉम्प्लिकेटेड होता है सबसे लास्ट में उसको करना लेकिन करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में भी सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करना बिकॉज वो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है क्लियर है लेकिन आएगा सॉर्टेड है तो ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है रिग्रेशन का न्यूमेरिकल और दूसरा डिसीजन ट्री का न्यूमेरिकल फिर कुछ और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो थियोरी है पर पूछी जाती है बहुत वो है परफॉर्मेंस मेजर तो अलग अलग टाइप से इसको पूछते हैं लेकिन एक ही आंसर है क्या आगा एक्सप्लेनि फाइव परफॉर्मेंस मेजर अलॉन्ग विद एग्जाम्पल और परफॉर्मेंस मैटराइस फॉर क्लासिफिकेशन आपको पूछेंगे एक्सप्लेन परफॉर्मेंस इवाल्यूशन मेट्राइसिस फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन विद सूटेबल एग्जाम्पल या फिर आपको डायरेक्टली ये जो पाँच चीज है यही पूछ रहे हो वो लोग एके आर रिकॉल एफ एन स्कोर आर ओ सी कव एन एय सीखाओ आर ओ सी कव और एयू सी अलग से पाँच मार्क्स के लिए भी पूछ तो भैया अपने पास उतना कॉन्टेंट होना चाहिए सॉर्टेड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है थियोरी है ज़्यादा न्यूमेरिकल भी नहीं है करके जाना उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बट सेकेंड प्रायोरिटी पी टू तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ रिग्रेशन लाइन क्या होती है स्कैटर प्लॉट क्या होता है एरर इन प्रडिक्शन एंड बेस्ट फिटिंग लाइन क्या होती है ये बताऊँ या फिर आपको पूछेंगे कि ओवर फिटिंग क्या होता है अंडर फिटिंग क्या होता है बायस इन वेरियंस क्या होता है ट्रेड ऑफ विद रिस्पेक्ट टू मशीन लर्निंग ये बताऊँ उसके बाद आपको आएंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक्सप्लेन करो या फिर लॉजिस्टिक वर्सेज एस वी एम एक्सप्लेन करो तो ये पूछ सकते हैं और मल्टी वेरियंट लीनियर रिग्रेशन मैथड क्या होता है ये पूछ सकते हैं तो ये कुछ सेकंड प्रायोरिटी है मॉडल टू से जो आपको करके जाना चाहिए तो यार आगे बढ़ने के पहले मैं आपको सिंपल सा बताना चाहता हूँ कि यार अभी अगर आपके पास टाइम बहुत कम बचा है और आप इतना सारा प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हो और यार आपको इसके सॉल्यूशंस के लिए क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंस है इनके प्रॉपर सोल्यूशन भी तो सी है जितने भी जो क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए इनके प्रॉपर सोलूशन का मिलेंगे सुमर भाई मैं कैसे तैयारी करूँ कहाँ से पढ़ूँ इन सबके आंसर्स तो लास्ट मोमेंट ट्यूशन ने क्या किया है इसका प्रॉपर बंडल पैक बनाया है जहाँ पे सेम सेवन में हम तीन सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं बिग डेटा हो गया मशीन लर्निंग हो गया एम हो गया प्रॉपर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्रॉपर जितने भी इंपॉर्टेंट है उसके सोलूशनस मिल जाएंगे तो यार आपको दस जगह भटकने की जरूरत नहीं एक ही जगह पर सारे सोलूशंस मिलेंगे क्लियर है तो आपको बंडल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मेरा रिकमेंड रहेगा कि भैया कार टाइम कम है और अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो लास्ट मोड ट्वेशन का बंडल आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज यू कैन हैव नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी तो अभी जाकर चेकआउट करो मॉडल थ्री में आ जाते हैं मॉडल थ्री में सिर्फ चार क्वेश्चन है भैया और ज़्यादा है ही नहीं क्लियर है पहला है बैगिंग और बूस्टिंग क्या होता है एक्सप्लेन करो एनसेबल लर्निंग के टाइप है ओके okay? दो टाइप है वैसे टोटल तीन टाइप होते हैं ये दो टाइप है या फिर डिफरेंस पूछ सकते हैं डिफरेंस किस तरह से पूछेंगे कंपेयर बैगिंग एंड बूस्टिंग विद रेफरेंस टू एसेबल लर्निंग एक्सप्लेन हाउड दिस मेथड हेल्प टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन लर्निंग मॉडल तो इस तरह से अगर आपको पूछो तो आपको बैगिंग और बूस्टिंग को कंपेयर करना अच्छे से आना चाहिए और उसके एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए ओके okay. फिर आता है डिफरेंस वेज टू कंबाइन द क्लासीफायर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूछा जाता है पिछले दो पेपर में पूछा गया है। फिर आता है एक्सप्लेन द नेसेसरिटी ऑफ क्रॉस वैलडेशन इन मशीन लर्निंग एप्लीकेशन एंड के फुल क्रॉस वैलिडेशन इन डिटेल के फूल क्रॉस वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पिछले दो तीन पेपर से पूछा जा रहा है तो इसको बिल्कुल मिस आउट नहीं करना है क्लियर है ओके okay. फिर आ जाता है रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम क्या होता है इस तरह से पूछें जाएंगे फोर्थ क्वेश्चन या फिर एक्सप्लेन एनसिम्बल लर्निंग एलगोरिथम रैंडम फॉरेस्ट एंड इट्स यूज केस इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन तो ये अपने को आना चाहिए हो गया भैया हो गया मॉडल थ्री डन आगे बढ़े आगे बढ़े आ जाते हैं मॉडल फोर में लर्निंग विद क्लासिफिकेशन इसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत बार पूछते हैं तो उसको करके जाना है उसके बाद सेकेंड एक एस का जो है क्योंकि यार ऑब्वियसली लर्निंग विद क्लासिफिकेशन एस वी एक बहुत बड़ा पार्ट है वो पूछते तो उसको अलग अलग तरीके से पूछते कैसे पूछते मैं आपको बताया था तो, पहले कि डिफाइन सपोर्ट वैक्टर मशीन एक्सप्लेन हाउ मार्जिन इज कंप्यूटेड एंड ऑप्टीमल हाइपर प्लेन इज डिसाइडेड मार्जिन और सपोर्ट वैक्टर क्या होता है क्योंकि सपोर्ट सपोर्ट वैक्टर में ये दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट है तो आपको पता होना चाहिए क्लियर है उसके अलावा अगर आपको अलग से पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे एक्सप्लेन सपोर्ट वैक्टर मशीन एज अ कॉन्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम तो ये भी आपको आना चाहिए या फिर डिफाइन द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी विद रेफरेंस टू सपोर्ट वैक्टर मशीन हाइपर प्लेन क्या होता है सपोर्ट वैक्टर क्या होता है हार्ड मार्जिन क्या होता है सॉफ्ट मार्जिन क्या होता है कर्नल क्या होता है तो यार सपोर्ट वैक्टर मशीन का भी अपने बहुत अच्छा टूटोरियल हमारे कोर्स में बताया गया है इसके बाद मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है फिर आ जाता है मॉडल फोर में ही दो और थियरी क्वेश्चन है वो है कर्नल ट्रिक इन सपोर्ट ड्रैक्टर मशीन और है कंसिडर द यूज केस ऑफ ई मेल स्पैंडशन डिटेक्शन आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द सुटेबल मशीन लर्निंग टेक्निक फॉर दिस स्टार तो ई मेल स्पैन डिटेक्शन के लिए बेस बेस्ट एल्गोरिथम होता है तो वो आप देख सकते हो मैं आपको पहले भी पता कर रहा हूँ तो इस पर आपको थियरी लिखना आया तो अपने को पता होना चाहिए ओके फिर कुछ दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो एक है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इन मशीन लर्निंग जिसको इसके साथ साथ स्टेपेट डिस मेथड ऑप्टिमाइजेशन का अंदर का एक पार्ट है वो आपको पता होना चाहिए और रेडियल बेसिड फंक्शन आप करके जा सकते हो ओके मॉडल फाइव पे आ जाते हैं मॉडल फाइव पे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ई एम एल्गोरिथम एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम और यह आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है सेकेंड एक क्वेश्चन है जो आपको बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है वो है डी बी स्कैम को डी बी स्कैन एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करो उसको इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि वट इज डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग एक्सप्लेन द स्टेप यूज फॉर क्लस्टरिंग यूजिंग डी बी स्कैन एल्गोरिथम क्लियर है आपको जो थर्ड क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, है बहुत बार पूछा जाता है वो है अपना मिनिमम स्पैनिंग ट्री। सवाल आएगा एक्सप्लेन क्लस्टरिंग विद मिनिमम स्पैनिंग ट्री विद रेफरेंस टू ग्राफ बेस विद रेफरेंस टू ग्राफ बेस क्लस्टरिंग तो ये जो तीन क्वेश्चन है भैया इन तीनों में से एटलीस्ट एनी वन या एनी टू तो पूछेंगे तो तीनों करके जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिर कुछ दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है देखो क्लस्टरिंग है क्लस्टरिंग में बहुत टाइम केमिन नहीं पूछ रहे तो ऐसा नहीं हो सकता कि के केमिन ना पूछे केमिन आपने पहले भी बहुत बार किया डेटा हाउस में किया हुआ है अलग अलग चीज़ों में किया हुआ है और शायद से बिग डेटा में भी केमिन है तो केमिन अगर आपको कहीं भी पूछे तो उसको करके जाना इसका सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है वो भी पूछ सकते हैं तो वो भी करके जाना और एक सिंपल सा थियेरी क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द डिस्ट मेट्राइज यूड इन क्लस्टरिंग वो भी आप देख के जा सकते हैं आ जाते हैं मॉडल सिक्स में मॉडल सिक्स में दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, है अपना पी सी ए और दूसरा है एल क्लियर है सवाल किस तरह से आता है चलो मैं बता देता हूँ उसके अलावा भी ऊपर नीचे दो एक दो क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया वट इज डायमेंशनलिटी रिडक्शन हाउ इट कैन बी यूटिलाइज फॉर क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग टास्क इन मशीन लर्निंग एक थियरी क्वेश्चन है जो आ सकता है सेकेंड आता है प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट एनालिसिस फॉर डायमेंशनलिटी रिडक्शन अपने को ये अच्छे से पता होना चाहिए सवाल किस तरह से देंगे वॉट इज डायमेंशनलिटी रिडक्शन डिस्क्राइब हाउ मश प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट एनालिसिस इज कैरिड आउट टू रिड्यूस डायमेंशनलिटी ऑफ द डेटा सेट्स तो आपको इस तरह से क्वेश्चन भी आया तो आपको पी सी अच्छे से लिख के आना है दूसरा क्वेश्चन आता है लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस करो फॉर डायमेंशनल डिडक्शन थियरी है सवाल कुछ इस तरह से आएगा डायमेंशनलिटी डिडक्शन तो पढ़ के जाना ही पड़ेगा सवाल कुछ इस तरह से आता है एक्सप्लेन द डायमेंशनलिटी डिडक्शन टेक्निक लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस एंड इट्स रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इसी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ एल डी ए का न्यूमेरिकल भी पूछते हैं पूरे अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो यार इतना उसका सोल्यूशन दिया ही नहीं है जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया तो तुम्हारे भाई ने ढूंढ के उसकी भी वीडियो डाली है तो वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो तीस मिनट की वीडियो लेकिन वर्थ इट है भैया आपको सोल्यूशन मिल जाएगा साथ में एक एस वी न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है मेट्राइसिस का तो ये भी आप करके जाना तो ये थे टोटल मशीन लर्निंग के सिक्स मॉडल के मॉडल वाइज इंपॉर्टेंट अगर आपको टॉप 15 क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारा मतलब व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो उसमें मैं पुट आउट कर दूँ सो so, दोस्तों ये थी आज की वीडियो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी और अच्छी लगी रहेगी तो आपसे सिंपल सी रिक्वेस्ट है सारे कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो बाकी याद देखो अगर आपको प्रॉपर इन सबके के चाहिए इंपॉर्टेंस के तो आपको क्या करना है आपको पता है भैया एल का बंडल पैक आप बाय कर सकते हो साथ में ये जो इंपॉर्टेंस है इनके मैं टॉप फिफ्टीन क्वेश्चन भी देने वाला हूँ तो अगर वो आप चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो वहाँ पे हम और भी सारी रिसोर्सेज और हाउ टू पास जो भी लेटेस्ट आता है उधर अपलोड कर देते हैं तो फटफट ज्वाइन करो भैया ठीक है थैंक यू मच वीडियो देखने के लिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स अच्छे से मेहनत करिए जाना दोस्त तो कर सकता है